सर्दियों की रात में अरमान साहब किसी दावत से वापस आए तो घर में दाखिल होते हुए सिक्योरिटी गार्ड पर नजर पड़ी। वो एक छोटे से रुमाल से सर्दी रोकने की कोशिश कर रहा था। अरमान साहब ने गाड़ी रोककर पूछा, तुम्हें सर्दी नहीं लगती? गार्ड ने जवाब दिया, बहुत लगती है जनाब, मगर कोई जैकेट वगैरह ही नहीं, बस बर्दाश्त कर लेते हैं। ये सुनकर अरमान साहब बोले, मैं अभी कोई जैकेट भेजता हूँ तुम्हारे लिए। गार्ड खुश हो गया और इंतजार करने लगा। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। अरमान साहब अंदर दाखिल हुए तो मोबाइल पर कॉल आ गई। कॉल एंड हुई तो मोबाइल में ही कुछ करने लगे और गार्ड को भूल गए। करते करते आंख लग गई। जब आंख खुली तो घड़ी रात के 4 बजा रही थी। पता ही नहीं चला कि इतना सो लिए। अचानक गार्ड जहन में आया, बाहर की तरफ गए, मगर ये क्या, वहां तो गार्ड की अकड़ी हुई लाश पड़ी थी और करीब ही एक कागज पर लिखा था, अरमान साहब मैं कई सर्दियों से ऐसे ही ड्यूटी कर रहा था, किसी आसरे की उम्मीद न थी इसलिए हालात से लड़ जाता था, मगर आपके वादे ने मुझे उम्मीद दिला दी। इस उम्मीद और आसरे ने आज की रात गुजारना मुश्किल कर दी है। किसी को सहारे देने की झूठी हामी न भरें, अगर भर लें तो फिर पूरा जरूर करें कि आपका आसरा उससे हालात से लड़ जाने की हिम्मत